दोस्तों प्रेजेंटली दुनिया में 6.4 बिलियन डिवाइसेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है किसी न किसी तरह से, और एक अनुमान के मुताबिक अगले एक साल में इनका नंबर 3 गुना से भी ज़्यादा होने वाला है। मतलब कि हर एक आदमी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जितनी है, हर एक आदमी के पास कम से कम 3 डिवाइसेस हर एक आदमी के हिसाब से इनकी नंबर हो जाएगी, इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस की नंबर हो जाएगी। और प्रेजेंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास वायरलेस इंटरनेट का, वो इन डिवाइसेस को, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होंगी बेसिकली, उनको केटर करने के लिए काफ़ी ना काफ़ी होगा। और इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री किसी नए अगली नई बिग चीज़ के बारे में सोच रही है, और बेसिकली 5G में सारी इंडस्ट्री को इसका सोल्यूशन दिख रहा है, और आज की इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य, और आज बात करेंगे 5G की। दोस्तों बेसिकली जब इंटरनेट, जब वायरलेस टेक्नोलॉजी का, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन शुरू हुआ, तो 1990 के दशक के आसपास जब 1G आया था, तब पूरा मुद्दा ये था कि कैसे दो वायरलेस डिवाइसेस के बीच में वॉइस कम्युनिकेशन पॉसिबल किया जा सके। तो सारा फोकस उस वक्त वॉइस कॉल्स पे हुआ करता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया, यानी कि 2G आया, जहाँ पे आप वॉइस कॉल्स भी कर सकते थे और साथ में टेक्स्ट भी कर सकते थे। फिर थर्ड जनरेशन मतलब कि 3G आया, जिसमें आप वॉइस कॉल्स कर सकते थे, टेक्स्ट कर सकते थे, और साथ ही साथ इंटरनेट भी ब्राउज़ कर सकते थे। मतलब आप, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसी साथ ही साथ मैं इंटरनेट भी ब्राउज़ कर सकता हूँ और किसी को टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। इसके बाद 4G आया। 4G में बेसिकली 3G में जितनी भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी उनको इम्प्रूव किया गया, मतलब कि डेटा कनेक्शन की स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। और इस वक्त तक पूरी इंडस्ट्री, पूरी मोबाइल इंडस्ट्री इस बात पे फोकस कर रही थी कि कैसे गीगाबिट इंटरनेट कनेक्शन आपको वायरलेस के ज़रिए डिलीवर किया जा सके। गीगाबिट इंटरनेट कनेक्शन दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होगी कि आपको 1 GBPS से ऊपर की स्पीड अपने मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाए वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए, एक सिम कार्ड GSM बेस्ड नेटवर्क के ज़रिए गीगाबिट इंटरनेट की स्पीड अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और बेसिकली 4G के बाद पूरी इंडस्ट्री इसी चीज़ पे फोकस कर रही थी कि कैसे गीगाबिट इंटरनेट कनेक्शन डिलीवर किया जा सके वायरलेस फोन्स में, यानी कि वायरलेस ब्रॉडबैंड बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था। तो 4G के बाद LTE आया, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो 4G पे बेस चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा था। और बेसिकली इसके साथ ही वोल्ट प्रोटोकॉल को भी इंट्रोड्यूस किया गया, वॉइस ओवर LTE, जिससे वॉइस कॉल्स की क्वालिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, डेटा कनेक्शन काफ़ी इंप्रूव हो गया था LTE के बाद, काफ़ी स्टेबलाइज हो गई थी चीज़ें इसके बाद। अब बचा था जो, वो सिर्फ ये था कि कैसे इंटरनेट की स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके LTE के भी आगे। तो जो 5G होगा बेसिकली उसमें जो, जैसे जैसे जनरेशन, ये सारी जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी, 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, वैसे वैसे ही जो वायरलेस जो रेडियो वेव आपको ट्रांसमिट की जाती है, वायरलेस रेडियो वेव ट्रांसमिट की जा रही है टावर के ज़रिए और आपके फ़ोन के ज़रिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती गई। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक नुकसान क्या होता है दोस्तों, कि आपकी जो रेंज होती है, इफेक्टिव रेंज होती है, वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो भी रेडियो वेव के बीच में, रेडियो वेव और जो आपका टावर है उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, आदमी हो गए, पेड़ वगैरह हो गए, इनसे जो स्ट्रेंथ है रेडियो वेव की, वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं। कम फ्रीक्वेंसी होगी तो रेंज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो ऐसे ऑब्जेक्ट से इफेक्ट नहीं होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो जो रेडियो वेव है वो ज्यादा इफेक्ट होती है ऐसे बीच में वाले ऑब्जेक्ट से, इसकी वजह से जो इफेक्टिव रेंज है वो कम हो जाती है। तो 4G को रोल आउट कर, 4G में बेसिकली हम बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव को यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5G में हम बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4G में हम 20 MHz तक की रेडियो वेव्स को यूज कर रहे हैं, 20 MHz फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को यूज कर रहे हैं। और जो 5G में प्रपोज किया गया है वो 6 GHz से लेकर 40 GHz तक की रेडियो वेव्स को यूज करना रेकमेंड किया गया है, प्रपोज किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों इन कंपैरिजन टू 20 MHz जो 4G की है। और अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आपका जो घर का वायरलेस ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन है वो वाईफाई 2.5 GHz पे ऑपरेट करता है, और कुछ वाईफाई राउटर्स जो हैं वो 5 GHz पे भी ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप कभी 5 GHz पे ऑपरेट करके वाईफाई को देखें तो आपको जो थ्रूपुट मिलेगा वो श्योरली बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, क्योंकि नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज पहले से ऑक्यूपाइड है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज में बहुत सारा कम्युनिकेशन पहले से ही हो रहा है, तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, एक साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत सारे चैनल के अंदर, वो कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो पूरा स्पीड है आपके नेटवर्क के अंदर वो बढ़ जाती है।
पर जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं आपकी रेंज भी कम हो जाती है। तो कभी आप अगर अपने घर के राउटर पे वाईफाई राउटर पे ये करके देखें कि पहले 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे करके देखें, आपको स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी पर आपको रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब आप राउटर से बहुत ज़्यादा दूर जाके भी इंटरनेट कायदे से एक्सेस कर सकते हैं। पर उसी को जब आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करेंगे तो उसकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी और इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड अच्छी हो जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट 5G के साथ भी है कि आप फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं जिससे जो नीचे वाले चैनल्स हैं जहाँ पे पहले से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो एक तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो उसकी वजह से क्रॉस टॉक हो रहा है चैनल के अंदर, वो नहीं होगा, और दूसरा आपकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी पर आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। तो जो दो मेजर चैलेंजेस हैं अभी 5G रोल आउट के साथ वो बेसिकली यही है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो 5G की वो बहुत ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, जो टावर्स लगाने होंगे, नंबर ऑफ़ टावर्स बहुत ज़्यादा लगाने होंगे, आपको बहुत सारे टावर्स लगाने होंगे एक अच्छा खासा कवरेज देने के लिए। इसलिए 5G जो इनिशियली रोल आउट होगा वो बहुत अर्बन एरियाज़ में रोल आउट होगा जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है, जहाँ पे कम से कम टावर लगाने पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुँचाई जा सके। और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है, जहाँ पे कंज्यूमर्स कम है, वायरलेस सर्विसेज के कंज्यूमर्स कम हैं, वहाँ पे अब भी पुरानी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजीज जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है उतना ज़्यादा उसकी रेंज होगी पर अनफॉर्चुनेटली थ्रूपुट उतना ही कम होगा। तो 5G आप इनिशियली अर्बन एरियाज़ में देख सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत कम होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ कवर किया जा सकेगा नई टेक्नोलॉजी में, और इससे फीडबैक भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इंडस्ट्री को ताकि फ्यूचर में फाइन ट्यून किया जा सके। और जो दूसरा चैलेंज है इंडस्ट्री के सामने वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक के चैनल को, 6 से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक के बीच की फ्रीक्वेंसीज को 5G यूज़ करने के लिए प्लान किया जा रहा है, पर पूरी इंडस्ट्री अभी एक सिंगल नॉर्म पे नहीं आ पाई है, सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं आ पाई है कि कौन सी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो यूज़ करेगी पूरी इंडस्ट्री। तो ऐसे में ये हो सकता है कि वोडाफोन 6 गीगाहर्ट्ज़ पर रोल आउट कर रहा है, एयरटेल 10 गीगाहर्ट्ज़ पर रोल आउट कर रहा है, जियो अपना 15 गीगाहर्ट्ज़ पर रोल आउट कर रहा है। ऐसे में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपके फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मल्टीपल कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे अपनी डिवाइसेस में जो अलग अलग इस तरह की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करें ताकि इन तीनों ऑपरेटर्स पे वो कवर कर सके कवरेज को। तो अभी इंडस्ट्री के सामने दो ही चैलेंजेस हैं, पहला तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से नंबर ऑफ टावर्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और दूसरा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पे पूरी इंडस्ट्री अभी नहीं आ पाई है जिसपे अपन 5G रोल आउट करेंगे। ये तो हो गए दो चैलेंजेस 5G के बाद जो चीज़ें फॉर्चुनेटली एम कर रही है इंडस्ट्री वो है कि आपको गीगाबिट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए वायरलेस सर्विसेज के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से मैक्सिमम 20 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड दिख सकती है अपने फ़ोन में, 10 Gbps तक की अपलोड स्पीड दिख सकती है 5G के बाद। और आप में से जो भी लोग मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हैं उनको ये पता होगा कि लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो मिलीसेकंड्स में नापी जाती है, और 5G में बेसिकली एम किया जाएगा कि एटलीस्ट 4 मिलीसेकंड्स तक की लेटेंसी ऑफर की जा सके, और जो हाई थ्रूपुट 5G कनेक्शंस होंगे उनमें लेटेंसी 1 मिलीसेकंड्स तक की भी हो सकती है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है, अपने आप में ये काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि वायरलेस ब्रॉडबैंड की तरह 5G काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि वायरलेस ब्रॉडबैंड की तरह ये एक्चुअल घर वाले ब्रॉडबैंड को कभी रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि कंपनीज़ ने पहले ही ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है और वो इतनी जल्दी इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। और दूसरी बात, 5G अभी काफ़ी नया है, इसका रोल आउट भी इंडिया में लगभग अभी नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। तो अभी जैसे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि 5G आने के बाद ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस, घर के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो ज़रूरत रह जाएगी क्योंकि वायरलेस कनेक्शंस ऑब्वियसली थोड़े कम रिलायबल होते हैं कंपेयर टू वायर्ड कनेक्शन। अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप फिर भी घर पे एक ब्रॉडबैंड वायर्ड कनेक्शन रखें, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, भले आपको लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी पर वो स्टेबल रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वायरलेस कनेक्शंस के साथ क्या होता है कि एक बार लेटेंसी 4 मिलीसेकंड आ रही है, अगले सेकंड वो 128 मिलीसेकंड आ रही है, फिर 10 मिलीसेकंड आ रही है, पर वायर्ड कनेक्शन के साथ ये है कि वो स्टेबल रहेगा। अगर वो 50 मिलीसेकंड की आ रही है तो वो 50 मिलीसेकंड ही रहेगा, लेटेंसी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो ये एक अच्छी बात होती है वायर्ड कनेक्शंस के साथ, और वायर्ड कनेक्शंस 5G के रोल आउट के बाद डेफिनेटली तुरंत रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5G के बाद जो इफेक्टिव रेंज होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, और आपको 4G में ही पता होगा कि अब भी कई सारे अर्बन एरियाज़ में भी, मतलब शहरों में ही, मैं मुंबई में रह रहा हूँ और मेरे ही फ्लैट में अगर मैं
बेडरूम में जाता हूँ तो वहाँ पे 4G एक सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा थ्रूपुट मिलता है मेरे को, पर जैसे ही मैं लिविंग रूम में जाता हूँ वहाँ पे सिग्नल एकदम गायब हो जाता है, वहाँ पे थ्रूपुट मिलता ही नहीं है। तो 5G के बाद जब रेंज और कम हो जाएगी टावर्स की, तो ये जो सिनेरियो है, ये जो वेरिएशन है आपके सिग्नल स्ट्रेंथ में, वो और ज़्यादा देखने को मिल सकता है कंज्यूमर्स को। बहरहाल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि 5G के बाद आपको बहुत ज़्यादा तेज़ इंटरनेट कनेक्शन आपके फ़ोन में मिलेगा, क्योंकि वॉइस कॉल्स तो पहले ही इंप्रूव हो चुकी हैं, SD वॉइस कॉल्स 4G में आ गई थी, वो इसमें 5G में भी रहेंगी। 5G क्योंकि बैकवर्ड्स कंपेटेबल है, इसलिए 4G 3G 2G 1G तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते थे, वो सारी 5G में इंक्लूडेड होंगी। और एक चीज़ और जो मैं चाहता हूँ कि 5G के साथ रोल आउट हो जाए वो इंडिया में, वो है RCS। RCS बेसिकली, मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, RCS बेसिकली रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज है। और अभी जो सबसे ज़्यादा काम कर रही कंपनी इस चीज़ पे, वो है गूगल। वो गूगल सारे वेंडर्स के साथ, सारे जितने भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ काम कर रही है RCS को रोल आउट करने में, क्योंकि अभी गूगल का जो सबसे टक्कर का प्रोडक्ट है एप्पल के इकोसिस्टम में, वो है iMessages। iMessages बेसिकली व्हाट्सएप जैसी एक सर्विस है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपके फ़ोन में, एप्पल फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल्ड होता है, और ये आपको सीधे रजिस्टर कर देता है और iCloud के साथ इंटीग्रेट कर देता है। वैसी ही सर्विस RCS एंड्रॉयड के इकोसिस्टम के अंदर दे सकता है, और इसीलिए गूगल RCS पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5G काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, 5G का रोल आउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सब इंडियंस के लिए, हम सब कंज्यूमर्स के लिए ओवरऑल। और RCS जैसी अगर टेक्नोलॉजीज भी रोल आउट हो जाती हैं 5G के साथ, तो एक काफ़ी कंप्लीट एक्सपीरियंस, काफ़ी कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको एंड्रॉयड इकोसिस्टम के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास इतना ही मटेरियल था दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के बारे में उन्हें बताइए कि ऐसा भी कोई चैनल है जहाँ पे टेक्नोलॉजी डिस्कस की जाती है। अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप कोई टॉपिक पे, जैसे ये टॉपिक जो 5G वाला टॉपिक है, इससे पहले वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था कि 5G पे कोई वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको जिस भी टॉपिक पे कोई वीडियो देखनी है इस चैनल में फ्यूचर में, ज़रूर उस टॉपिक को कमेंट्स में छोड़िए मेरे लिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ना एक वीडियो बना के ऐसी दूं। और मैं वीकली बेसिस पे ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली डिलीवर होते रहें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।